नमस्ते दोस्तों, आज हम एक अद्भुत सफर पर जाने वाले हैं। हम समय में पीछे जा रहे हैं, प्राचीन भारत में। हमारा मंजिल वैदिक काल। ये समय बहुत जरूरी है, इसने आने वाले कई सदियों तक भारतीय संस्कृति और मान्यताओं को आकार दिया। ऋषियों, नदियों और शक्तिशाली मंत्रों के समय की कल्पना करो, यही था वैदिक काल। वेदों के रहस्यों को जानने के लिए तैयार हो जाइए। हम अद्भुत कहानियों की खोज करेंगे और प्राचीन भारतीय जीवन के बारे में जानेंगे। यह एक बहुत ही दिलचस्प सफर होने वाला है। यह एक बहुत ही दिलचस्प हमारा सफर शुरू होता है लगभग 1500 ईसा पूर्व से। यहीं से वैदिक काल का आरंभ माना जाता है। इस युग का नाम वेदों के नाम पर पड़ा है। ये पवित्र ग्रंथ हैं, जिनमें मंत्र, प्रार्थनाएं और अनुष्ठान हैं। वैदिक काल को दो भागों में बांटा गया है। पहले हमारे पास पूर्व वैदिक काल है। यह 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक चला। फिर आता है उत्तर वैदिक काल। यह युग 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक फैला हुआ था। पूर्व वैदिक काल के दौरान लोग मुख्य रूप से भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में रहते थे। वे पशुचारक लोग थे। वे अपने मवेशियों के साथ एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते थे। क्या आप बिना घरों या शहरों के जीवन की कल्पना कर सकते हैं? जीवन सरल था, लेकिन चुनौतीपूर्ण भी। समय के साथ चीजें बदलने लगी। लोगों ने खेती करना शुरू कर दिया। वे बस गए और गांव बनाए। इसने उत्तर वैदिक काल की शुरुआत की। एक ऐसी किताब की कल्पना करो जो प्राचीन रहस्यों और कहानियों से भरी हो, यही है ऋग्वेद। यह चार वेदों में सबसे पुराना है। ऋग्वेद वैदिक दुनिया में एक खिड़की की तरह है। यह 1000 से ज्यादा भजनों का संग्रह है। ये भजन विभिन्न देवी देवताओं की स्तुति में हैं। सबसे महत्वपूर्ण देवता थे इंद्र, अग्नि और सूर्य। इंद्र वज्र और वर्षा के देवता थे, अग्नि अग्नि के देवता थे, सूर्य सूर्य देवता थे। ऋग्वेद हमें उनके जीवन और उनकी शक्तियों के बारे में बताता है। यह उन लड़ाइयों के बारे में भी बताता है जो उन्होंने लड़ी थी। ऋग्वेद केवल देवताओं के बारे में ही नहीं बताता है, यह हमें वैदिक लोगों के जीवन की भी झलकियां देता है। हम उनके परिवारों, उनके काम और उनकी मान्यताओं के बारे में सीखते हैं। यह हजारों साल पहले की डायरी पढ़ने जैसा है। एक ऐसे समाज की कल्पना करो जहां लोगों के अलग अलग समूह हैं। प्रत्येक समूह की एक विशिष्ट भूमिका होती है। यही वर्ण व्यवस्था के पीछे का विचार था। वर्ण व्यवस्था का उदय वैदिक काल में हुआ था। इसने समाज को चार समूहों या वर्णों में विभाजित किया, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण पुजारी और शिक्षक थे, वे धार्मिक समारोहों और शिक्षा के लिए जिम्मेदार थे। क्षत्रिय योद्धा और शासक थे, वे लोगों की रक्षा करते थे और व्यवस्था बनाए रखते थे। वैश्य व्यापारी और किसान थे, वे व्यापार और कृषि में संलग्न थे। अंत में शूद्र मजदूर और सेवा प्रदाता थे। उन्होंने अन्य तीन वर्णों का समर्थन किया। इस प्रणाली का उद्देश्य एक ऐसा सामंजस्यपूर्ण समाज बनाना था जहां सभी का अपना स्थान और उद्देश्य हो। वैदिक लोग कुशल किसान थे। वे जौ, गेहूं और चावल जैसी फसलें उगाते थे। गाय उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। वे दूध प्रदान करती थीं और कृषि में भी उनका उपयोग किया जाता था। क्या आप देख सकते हैं कि खेती उनके जीवन के लिए कितनी महत्वपूर्ण थी? व्यापार वैदिक अर्थव्यवस्था का एक और महत्वपूर्ण हिस्सा था। लोग कपड़ा, मसाले और कीमती धातुओं जैसी वस्तुओं का आदान प्रदान करते थे। वे कारवां में यात्रा करते थे, अपना माल भारत के विभिन्न हिस्सों में ले जाते थे। इन यात्राओं के उत्साह की कल्पना करो। वैदिक लोग कुशल कारीगर भी थे। उन्होंने सुंदर मिट्टी के बर्तन, आभूषण और हथियार बनाए। उनकी शिल्प कौशल अपनी सुंदरता और गुणवत्ता के लिए जानी जाती थी। वैदिक लोगों का एक बड़ा राज्य नहीं था, वे जन नामक छोटे छोटे समुदायों में रहते थे। प्रत्येक जन पर एक राजा का शासन होता था। राजा अपने लोगों के लिए एक पिता तुल्य होता था।
वह उनकी रक्षा करता था और यह सुनिश्चित करता था कि सभी नियमों का पालन करें। राजा जन पर शासन करने में अकेला नहीं था। उसे सलाह देने के लिए बड़ों की एक परिषद होती थी। इस परिषद को सभा कहा जाता था। सभा ने राजा को महत्वपूर्ण निर्णय लेने में मदद की। वैदिक लोग धर्म में विश्वास करते थे। धर्म का अर्थ है धार्मिकता या कर्तव्य। सभी के लिए अपने धर्म का पालन करना महत्वपूर्ण था। राजा का धर्म था कि वह अपनी प्रजा की रक्षा करे। लोगों का धर्म था कि वे राजा का पालन करें और ईमानदारी से जीवन व्यतीत करें। क्या आपने कभी अग्नि समारोह देखा है? वैदिक लोग यज्ञ नामक अग्नि समारोह करते थे। उनका मानना था कि अग्नि पवित्र होती है। वे मंत्रों का जाप करते हुए अग्नि में घी और अनाज चढ़ाते थे। उनका मानना था कि इससे देवता प्रसन्न होते हैं। यज्ञ वैदिक जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा थे। लोग अलग अलग कारणों से यज्ञ करते थे। वर्षा के लिए यज्ञ करते थे। वे अपने आशीर्वाद के लिए देवताओं को धन्यवाद देने के लिए यज्ञ करते थे, तक कि वे जन्म और विवाह जैसे विशेष अवसरों को मनाने के लिए भी यज्ञ करते थे। इन समारोहों के दौरान घी की सुगंध और मंत्रों के उच्चारण से वातावरण महक उठता था। यह समुदाय के लिए एक साथ आने और परमात्मा से जुड़ने का समय था। उत्तर वैदिक काल के दौरान लोगों ने बड़े बड़े प्रश्न पूछना शुरू कर दिया। वे जीवन का अर्थ समझना चाहते थे। वे वास्तविकता की प्रकृति के बारे में सोचते थे। इन सवालों के कारण उपनिषदों का विकास हुआ। उपनिषद दार्शनिक ग्रंथ हैं। ये शिक्षकों और छात्रों के बीच बातचीत की तरह हैं। उपनिषद ब्रह्म की अवधारणा का परिचय देते हैं। ब्रह्म ही परम सत्य है। यह हर चीज का स्रोत है। उपनिषद आत्मा के बारे में भी बताते हैं। आत्मा व्यक्तिगत आत्मा या स्व है। उपनिषद सिखाते हैं कि आत्मा और ब्रह्म एक ही है। इस एहसास से दुखों से मुक्ति और जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति मिलती है। उपनिषदों ने हिंदू दर्शन की नींव रखी। वे आज भी सत्य के साधकों को प्रेरित करते हैं। वैदिक काल का अंत लगभग 500 ईसा पूर्व हुआ, लेकिन इसकी विरासत जीवित रही। वेदों का महत्व बना रहा। उन्होंने भारतीय संस्कृति, धर्म और दर्शन को आकार दिया। संस्कृत भाषा, जिसमें वेद लिखे गए हैं, भारत की शास्त्रीय भाषा बन गई। वैदिक काल की कई मान्यताएं और प्रथाएं आज भी प्रचलित हैं। उदाहरण के लिए कर्म, धर्म और पुनर्जन्म की अवधारणाएं हिंदू धर्म के केंद्र में हैं। वैदिक काल में योग और आयुर्वेद का भी विकास हुआ। ये प्राचीन प्रथाएं अब दुनिया भर में लोकप्रिय हैं। वैदिक काल भले ही बहुत पहले चला गया हो, लेकिन इसका प्रभाव आज भी आधुनिक भारत में महसूस किया जा सकता है। यह महान बौद्धिक और आध्यात्मिक विकास का समय था। इसने एक समृद्ध और जीवंत संस्कृति की नींव रखी, जो आज भी फल फूल रही है। तो लीजिए, हमने समय के साथ यात्रा की है और वैदिक काल की आकर्षक दुनिया का पता लगाया है। हमने उनके देवताओं, उनके समाज, उनकी अर्थव्यवस्था और उनकी मान्यताओं के बारे में जाना है। वैदिक काल एक परिवर्तनकारी युग था। यह खानाबदोश जीवन से व्यवस्थित कृषि की ओर संक्रमण का समय था। यह महान बौद्धिक और आध्यात्मिक जागृति का समय था। वेद अपने भजनों, कर्मकांडों और दार्शनिक अंतर्दृष्टि के साथ प्राचीन भारतीयों के मन और हृदय में एक झलक पेश करते हैं। वे हमें मानवीय जिज्ञासा की स्थायी शक्ति, अर्थ की हमारी खोज और परमात्मा से हमारे संबंध की याद दिलाते हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, आइए हम अपने साथ वेदों के ज्ञान को लेकर चलें। आइए हम प्रकृति के साथ, एक दूसरे के साथ और खुद के साथ सद्भाव में रहने का प्रयास करें। धन्यवाद और नमस्ते।